अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा मौसम जो है ना यहाँ पे बना हुआ है, सही है। धूप निकली हुई है बड़ी प्यारी सी, सही है, और ऊपर जो है ना बादल छाए हुए हैं। तो अभी हम जो है ना निकलते हैं बाहर, थोड़ा हमने जाना है मार्केट, वहाँ से कुछ जो है ना शॉपिंग करके लानी है। ख़ास तौर पर जो है ना अपने जो बेबी का है वो अपने दूध लेके आना है, और उसके बाद जाएंगे एक फार्म पे, सही है, वहाँ पे जो है ना गाय का ताज़ा दूध मिलता है, तो वो लेके आएंगे, और उससे आज हम जो है ना बनाएंगे खीर या फिर गजरेला। आ रहे चली भी मटका मटका बन के आ रहा है हमारे साथ। आ जाओ भाई आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें धूप कितनी प्यारी है, वाह सूरज आज बड़ा प्यारा निकला हुआ है, और आय हाय 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 वाह। यहाँ पे जो है ना धूप भी एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ी नेमत लगती है, सही है, सर्दियों में जब ऐसे धूप निकलती है, और धूप में खड़े हुए जो है ना बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही, सही है। लेकिन जब भी धूप नीचे जाएगी उसी वक्त यहाँ पे ठंडियाँ मंडियाँ हो जाएंगी। तो अभी निकालते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपनी गाड़ी, और उसके बाद जाते हैं जी शॉपिंग करने। ओके तो ये खड़ी है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी गैराज के अंदर, सही है, SUV। आरिश आरिश बाबे किधर बैठना है आपने, किधर बैठना है, इस इधर बैठना है। ठीक है जी आपको जो है ना बिठाते हैं, ठहरो मैं पहले बाहर निकाल लूं, है बाहर निकाल के फिर आपको बिठाता हूँ। ओके इधर बैठना। तो आरिश ने जिद कर गया, कहता है जी मैंने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठना है और मैंने गाड़ी ड्राइव करनी है। ये ले जी बिस्मिल्ला, आरिश को बिठाते हैं, दो मिनट इधर, चलो स्टीयरिंग पकड़ लो। और कहता है मैं आज जो है ना खुद भी ड्राइव करूंगा। ये ले जी वो तो दरवाजा भी बंद करना चाहते है। ना ना बेटा यहाँ पे ऐसे अलाउ नहीं है, ना 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 ना, ना। सही है, चलो तो आप ऐसा करो थोड़ी देर यहाँ पे जो है ना गाड़ी ड्राइव कर लो आप, सही है ऐसे। हाँ जी सच्ची मुची गियर ना भी लगा देना, गाड़ी स्टार्ट है। चलो आओ मेरा बेटा अब आओ, चलो ये देखो ना ये सीट है, तो उधर बैठना, उधर बैठना, गाना लगाना, गाना सुन लगाना। तो आरिश कहता है मैंने उधर ही बैठना है जी, जिद कर गया आज, सही है। लेकिन इसे जो है ना इसकी सीट के ऊपर बिठाते हैं और फिर मार्केट चलते हैं। ये बेटा मार्केट की सीट पे बैठो आप, फिर आपके लिए चीजें लेके आते हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए जी आरिश आरिश अली कर गया जी आज जो है ना जिद, दुखी हो गया आरिश। इधर देखना मेरी तरफ, क्या बात है, आप मुझे बताओ उस सीट पे बैठना है, आपने गाड़ी चलानी है। अच्छा चलो ठीक है आप चला लो, आप चला लेना। अच्छा मेरी बात सुनो, आपके लिए पहले मार्केट से चीजें लेके आते हैं, चीजें लेके आते हैं, उसके बाद आप चला लेना। ओके आरिश जी मैं पुरानी बात भूल चुका है, आप आरिश जी को जिताते हैं जी नीचे। तो अभी यहाँ पे डालने हैं जी पैसे, और उसके बाद हमने जो है ना पहले जो है ना इसके ऊपर हमने ये सरफ जो है ना डाल लिया, सही है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे बुरशा मार के गाड़ी करते हैं साफ।
अभी जो है हम साफ पानी जो है ना इसके ऊपर मारेंगे, सही है, और सारी जो है इसकी सोम वो उतारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी जो है ना हमने साफ कर ली है, सही है, और यहाँ से जो है ना निकाल के अभी जो है ना बाहर हमने उस तरफ खड़ी करनी है, और उसके बाद थोड़ा खुशक करके इसे, सही है, और उसके बाद जनाब जो है ना हम जाएंगे शॉपिंग करने। माशाल्लाह जी, गाड़ी जो है ना हमने कपड़े के साथ जो है ना वो खुशक कर ली है, चमका ली है, बिल्कुल न्यू हो गई है जी फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। सीटों पे कवर भी चढ़ा दिए हैं जी, ब्लू एंड ब्लैक रंग के, और उसके बाद जो है ना अभी हम जाते हैं जी मार्केट्स। हम पहुँच आए हैं जी मार्केट, यहाँ से आर्यशली जो है वो ट्रॉली निकाल रहा है छोटी बच्चों के लिए जो होती है, तो उससे निकल नहीं रही थी, अभी मैंने उससे सिक्का दिया। चलो जी डालो। हाँ जी ओके, दबाओ, चलो निकल गया। अभी जी ट्रॉली ले ली, अभी चलते हैं जी अंदर, और सारी चीज़ें जो आज आर्यश रखेगा ट्रॉली में, आर्यश नहीं शॉपिंग करनी है आज, क्योंकि शॉपिंग का जो है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन हो चुका है, आज जो है सारी चीज़ें जो है ना रख लेगा खुद ही। इधर ले के आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आरिश्री ने गोभी उठा के रख ली है जी, अभी अंडे जो है उठा के रख रहा था, अंडे भी रख लिए। सीधी करो। अभी दूध रखा जा रहा है, देखें। रखो वागन में। चलो यहाँ पे चलो हमें एक सरफ चाहिए, ये उठा लेते हैं जी। ये सही है, वागन पकड़ो आरिश। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जो शॉपिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। मार्केट में लेने हम वैसे सिर्फ एक चीज ही आए थे, वो था बच्चे का दूध, लेकिन जब भी हम आते हैं हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हमें दूसरी चीज़ें भी देख के जो है ना अच्छी लगती हैं, वो भी साथ रख लेते हैं, और कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं हमें जो हमने लिखी नहीं होती, मतलब जहन में नहीं होती, यहाँ पे आके उनको देखा जाता है तो साथ ही बंदा कहता है ये भी चाहिए ये भी चाहिए। ठीक है, तो शॉपिंग होगी मुकम्मल, अभी हम चलते हैं जी। रास्ते में हम रुके जी इस मार्केट में, यहाँ बारिश को जो है ना दोबारा से फुटबॉल पसंद आ गया, और साथ ही यहाँ पे जो है ना मैंने कहा बस ले लूँगी, और क्लोना कहता है नहीं, यहाँ पे एक गेम लगी हुई थी, वो ऐसा लगता है जैसे मोबाइल है, तो वो उसे पसंद आई, वो साथ ली आरिश ने। आगे जो है ना आपको चल के दिखाते हैं, उसके साथ बाद में जो है ना वो खुद से ही जनाब फोटो एंड वीडियोस बना रहा था। आरिश अली को लग रहा था कि ये जो है ना मतलब मोबाइल है, मैं इससे जो है ना फ़ोटो भी बना सकता हूँ और वीडियो भी बना सकता हूँ। आगे जाके आप देखेंगे वीडियो में, शूटिंग कर रहा था चर्च की वीडियो बना रहा था, मेरी वीडियो बना रहा था, कहता है बाबा मैंने आपकी वीडियो बनानी है, मैंने कहा बना लो बना लो, मुंडे नाल भी चक्कर पे आ गया। क्या लिया आपने, दिखाओ निकाल के। वाह मोबाइल लिया है, वाह भाई वाह, क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो। बारिश अली को ये गेम पसंद आ गई थी, ये लिया जी, इसके लिए सही है, और साथ ही जो है ना आरिश के लिए कुछ जो है ना शर्ट हमें पसंद आ गई थी, वो हमने लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो हमारी जो है आज की शॉपिंग हो चुकी है मुकम्मल, और अभी हम जो है ना रवा दवा है जी भाई के घर की तरफ, वहाँ जाके जो है ना थोड़ा सा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, और साथ ही मज़े से चाय पीते हैं जी।
ये नज़ारा शूट किया जा रहा है जी आरिश के मोबाइल से। तो ये यहाँ पे जो है ना चर्च है, सही है, मेन ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, और ये देखें बहुत ही ऊंचा है। तो टाइम यहाँ पे हो चुका है इस वक्त 4 का ऊबर जो है ना, मौसम बड़ा ही प्यारा है, सही है, बादल छाए हुए हैं, और ये देखें जी चर्च की तरफ ऊपर जो है वो देखा जा रहा है। तो ये हमारी आज की जी शॉपिंग है, छोटी सी सही है। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना शर्टें ली हैं, आरएच ली की इस कलर की, ये देखें जी एक हो गई, और उसके बाद ये है जी दूसरा कलर हो गया, ये वाला ठीक है, ये दूसरा कलर है, और उसके बाद ये हो गया जी, ये देखें आप ये वाला, ये तीसरा कलर है, ठीक है, तो उसे यहाँ पे रखते हैं। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह चाय, ये सात रास वाह ये मजे लाची हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है ना थोड़ा जो है ना गाड़ी का ऑयल जो है वो हमने यहाँ पे चेक करना है जी, सही है, तो यहाँ पे अभी ऑयल चेक करते हैं। ये अगर काम हुआ तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल जो है ऊपर और डाल देंगे, चेक करें जी। निकाल हाँ निकालें, चलो जी तो ये है जी देखें इसका मिनिमम और ऊपर ये मैक्सिमम, तो तेल जो है ना हमारा मिनिमम पे है, लिहाजा हमें जो है ना ये दोबारा से जो है ना फिल अप करना पड़ेगा, और इसमें जो है ना तकरीबन 1 लीटर डालना पड़ेगा। लो जी तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं यहाँ पे डेयरी फार्म पे, यहाँ पे जो है ना ताज़ा दूध लेंगे यहाँ से, 4 किलो, 4 किलो ले लो, 4 लीटर। तो यहाँ से जो है ना ये देखेंगे इस तरह गाय बंदी हुई अंदर, और यहाँ पे जो है ना फ्रेश दूध टैंकर से ये लेंगे, सही है, और घर जाके खीर बनाएंगे, मजे करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना दूध हमने अभी उबलने के लिए जो है ना वो रख दिया है, सही है, इसे जो है ना अच्छी तरह पहले गाढ़ा करेंगे और फिर जो है ना बाद में चावल डालेंगे इसमें। तो चावल हमने लिए हैं यहाँ पे जो है तकरीबन सिर्फ 1 कप जो चाय वाला होता है, सही है, ऐसे भिगो के रख दिया, जब ये नरम हो जाएंगे उस वक्त इन्हें जो है ना मशीन में ग्राइंड कर लिया जाएगा मिक्सचर में, सही है, और उसके बाद जो है ना इसमें डालेंगे। हमारी जो खीर है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है जी तैयार, देखिए बहुत ही जो है ना मज़े की बनी है, आप भी थोड़ी सी खाएं, वाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है जी, बिल्कुल जो है ना खोए का जायका आ रहा है। आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, अल्लाह सही है, हाफिज़।